गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स इन द प्लेटफॉर्म ऑफ इंस्पिरेशन क्लासेस तो आज मैं बात करूंगा प्राची बुक के बारे में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वायरसेस फ्रेंड्स एंड फो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर प्राची साइंस क्लास एट्थ की बुक का है और इस चैप्टर में हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में और उस वायरसेस के बारे में कि ये क्या होते हैं बेसिकली इनका टर्म्स क्या होता है सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल से समझेंगे तो लास्ट तक ज़रूर बनना और एक एक पॉइंट को स्केप नहीं करेंगे और हर एक पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन से चैप्टर का नाम क्या है तो चैप्टर का नाम माइक्रो ऑर्गनिजम्स एंड और वायरसेस ठीक है इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जैसे हम पहला टॉपिक चैप्टर कंटेंट की बात कर लें सबसे पहले तो चैप्टर कंटेंट में सबसे पहले माइक्रो ऑर्गनिजम्स Habitat of microorganisms. Where do microorganisms live? Microorganisms and us. Friendly microorganisms, harmful microorganisms, diseases caused by microorganisms and viruses. Disease causing microorganisms and viruses in humans and prevention of disease caused by microorganisms and viruses. Disease causing microorganisms and viruses in animals. तो वायरसेस इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स बोथ इस तरीके से हम फूड पॉइजनिंग की बात करेंगे फूड प्रिवेंशन की भी बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की बात करेंगे इस चैप्टर में तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो द लिविंग ऑर्गेजम्स विच कैन नॉट बी सीन बाई द नेकेडाइज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेजम्स जो एक्सक्रीट करते हों ठीक है जो आ, ब्रीद uh, करते हो ठीक है जिनका लिविंग प्रोसेस चलता हो उनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं विच कैन नॉट बी सीन यानी वो हम नहीं देख सकते अपनी खुली आँखों से हम उन्हें नहीं देख सकते वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स कहते हैं तो माइक्रोब्स जो है माइक्रोब्स का मतलब होता है स्मॉल और बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी माइक्रोब्स और बायोस मिक्रोज और बायोज से मिलकर के माइक्रोब्स बना हुआ है जिसका मतलब होता है स्मॉल और बायोज का मतलब लाइफ सम ऑफ दीज कैन हाउ एवर बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्निफाइंग ग्लास और सो माइक्रो माइक्रोजियम्स में मैग्नीफाइंग uh, ग्लासेस और माइक्रोस्कोप तो हम उससे सीन मतलब हम उसको देख सकते हैं किसकी वजह किसकी द्वारा तो माइक्रोस्कोप के द्वारा या फिर मैग्नीफाइंग ग्लासेस के द्वारा जिससे हम बहुत छोटी चीज़ों को हम बहुत बड़े चीज़ों में देख सकते हैं बड़े लेवल पे देख सकते हैं सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्निजम्स कुछ इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सबके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो इसमें क्या क्या होता है अब माइक्रो ऑर्गनिजम्स में अकर एज अ सिंगल सेल और अ कलेक्शन ऑफ सेल्स यानी वो एक सिंगल सेल से बना होता है और या फिर बहुत सारे सेल से बना होता है पहली बात दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि सेल क्या होता है तो सेल आप क्लास एट्थ में हो तो आप शायद बायो के अंदर पढ़ रहे होंगे कि सेल क्या होता है तो सेल जो होता है यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गिजम्स का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ठीक है आगे मैं बात करूँ तो माइक्रो ऑर्गनिजम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज बहुत छोटा होता है माइक्रो ऑर्गनिज्म दीज कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई दोबारा वही रिपीट बात दीज कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई अपने खुली आंखों से हम नहीं देख सकते दीज कैन नॉट कैन बी सीन विद माइक्रोस्कोप हम उसको केवल और केवल माइक्रोस्कोप से या फिर मैग्नीफाइन ग्लासेस से ही देख सकते हैं दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गनिज्म कुछ बातें हम एंटोन वैन लि हॉक की बात कर लेते हैं एंटोन वन लिवन हॉक ऑफ़ द हॉलैंड वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप तो ये उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप uh, बनाया था जिसके द्वारा उन्होंने क्या देखा था कि हम कैसे uh, किसी भी माइक्रो बैक्टीरिया uh, को या फिर किसी भी प्लांट्स को हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम इधर बातें कर लें दूसरे कैरेक्ट्रिस्टिक्स की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पे पाया जाता है इन द एयर एयर में भी पाया जाता है इन वाटर वाटर में भी पाया जाता है इन द सॉयल यानी मिट्टी के अंदर भी पाया जाता है डेजर्ट और मार्सी लैंड यानी सूखी और रेतीली मैदानों पे भी वो पाया जाता है एंड आल्सो इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शरीर के अंदर भी पाया जाता है ठीक है अब बात करते हैं ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इधर मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ ये काइस्ट जो देख रहे हैं ये काइस्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ए सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप जब हम माइक्रो ये माइक्रोस्कोप है इस माइक्रोस्कोप पे स्लाइड के ऊपर हम जब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है तो हमें क्या पता चल जाता है कि इस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है ठीक है दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो माइक्रोनजम आर कैपेबल ऑफ एक्जिस्टिंग इन एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर ठीक है यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत सारा है तो इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं आगे एग्जिस्टिंग एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंडनेस ड्राइनेस बाई फॉर्मिंग हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड स्ट तो इससे हम जो उसका हार्ड है उसको काइस्ट कहते हैं वेन द कंडीशन बिकम फेवरेबल दे कम आउट ऑफ देयर सेल जब उस उसको आ, अच्छे से एटमोस्फेयर उसका फ्रेंडली हो जाता है तो वो फिर बाहर आ जाता है और मल्टीप्लाई एंड गो थ्रू देयर लाइफ साइकिल्स और वो बाहर आकर के और अपने लाइफ साइकिल्स में इन्वॉल्व हो जाता है और प्रोड्यूस करने लग जाता है सम माइक्रो ऑर्गेजम्स आर हेल्पफुल टू अस वेयर एज मैनी ऑफ देम आर हार्मुल बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेजम्स हमको हेल्प करते हैं और बहुत सारे ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेजम्स हैं जो हमें नुकसान करते हैं देयर आर फोर मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फोर माइक्रो ऑर्गेजम्स के फोर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया सबसे पहला ग्रुप है बैक्टीरिया जिसको हम बैक्टीरियम के नाम से भी जानते हैं फंजाई फंजाई को फंगस एल्गी एल्गा प्रोटोजोआ प्रोटोजोअन -jua, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले हम बात करें कि बैक्टीरिया किस तरीके का दिखता है तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर पे आपके स्क्रीन पे बिल्कुल साफ़ दिख रहा होगा कि वो किस तरह का दिखेगा ठीक है बैक्टीरिया यानी बैक्टीरियम यानी ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर इस इसको देखने को मिलता है फंजाई यानी फंगस का स्ट्रक्चर इस, इस तरीके का देखने को मिलेगा इसी तरीके से हम एल्गी का स्ट्रक्चर इस, इस तरीके का कुछ मिलेगा इसी तरीके से प्रोटोजोआ का स्ट्रक्चर इस कुछ इस तरीके का मिलेगा ठीक है जिस जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो अमीबाए है, ठीक है अब हम इसी तरीके से स्पायरिला कोकाई पेनिसिलियम ठीक है नोस्टिक ठीक है इसी तरीके से पैरामीसियम ये सारे यूनिसेलुलर कुछ यूनिसेलुलर कुछ मल्टी ये सारे चीजें हैं आगे आप अगली क्लासेज में बहुत सारी चीजें डीप में पढ़ोगे ठीक है अब हम चलते हैं कुछ आगे अब हम बात करेंगे वायरसेस की माइक्रोजम टॉपिक जो हो गया कंप्लीट अब हम बात करेंगे वायरसेस की वायरस क्या होता है उसके बारे में और सारी चीज़ें डिटेल से समझेंगे वायरसेस आर द सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का दूसरा ही ये टाइप है वायरस जिसको वायरस कहते हैं और इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए होते हैं ठीक है यानी वायरस जो होगा वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी रहता है और लिविंग थिंग्स में भी रहता है द नेम्स ऑफ वायरस आर डि डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द रेस्पेक्टिव हॉस्ट और फ्रॉम द नेम ऑफ द डिजीज कॉज जिस तरह का वायरस होगा उसके जो हॉस्ट करता है उसी के नाम से उस वायरस को जाना जाता है तो नेम ऑफ द हॉस्ट और डिजीज कॉज और नेम ऑफ द वायरसेस दोनों चीज़ों को देखते हैं सेल ऑफ द टेबोको कंथ ठीक है टोबैको मैसिक वायरस ई एम वी वेरी इंपॉर्टेंट वायरस है बैक्टीरिया की बात कर लें तो बैक्टीरियो फीज बैक्टीरिया ईटर बैक्टीरिया को खाने वाला मीजल्स मीजल्स वायरस ठीक है फुट एंड माउथ डिजीज फुट एंड माउथ डिजीज वायरस एम एफ एम डी वी बहुत शॉर्ट टर्म में लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो द मेन फीचर्स ऑफ वायरसेस आर डिस्क्राइब्ड बिलो हम इसके नीचे देखेंगे कि कौन कौन से वायरसेस हैं तो वायरसेस इनह एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन साइड द इन साइड द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम सच एज प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स वायरसेज अंदर जा सकता है एंड रिप्रोड्यूज और भी उत्पन्न कर सकता है बहुत सारे कहाँ पे वन इन साइड द सेल ऑफ़ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग ऑनजम्स के सेल के अंदर जा के और बहुत सारे रिप्रोड्यूस वायरसेस को कर सकता है सच एज प्लांट के अंदर एनिमल्स के अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो सेल है वो सेल से ही मिल कर के प्लांट बना है सेल से मिल करके एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स ही हैं ठीक है सेल ग्रुप ऑफ सेल्स को टिशू कहते हैं ग्रुप ऑफ टिशू को हम ऑर्गन कहते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गन को हम organ सिस्टम कहते हैं इस तरीके से और पूरे सिस्टम को हम एक नाम देते हैं बॉडी या फिर ह्यूमन बींग्स कह लें या फिर एनिमल्स कह लें ठीक है आगे बढ़ते हैं वायरसेस ऑप्टेन देयर फूड फ्रॉम द हॉस्ट सेल यानी अपने हॉस्ट सेल से ही वायरसेस क्या करता है ऑप्टेन करता है फूड वायरसेज आर स्मॉलर दैन द स्मॉलेस्ट नोन सेल अबाउट जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव माइक्रॉन टू जीरो पॉइंट टू माइक्रॉन दिस इज़ द पार्ट ऑफ फिजिक्स माइक्रोन वाली जो चीज़ें हैं आप बिल्कुल वाइट बोर्ड पर समझेंगे तो जब व्हाइट बोर्ड पर लेक्चर लेकर के आऊँगा तो उससे मैं ये सारी चीज़ें को एक्सप्लेन करूँगा ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे वायरसेस कैन नॉट बी सीन बाय द सिंपली माइक्रोस्कोप वायरस जो होता है सिंपली माइक्रोस्कोप से तो बिल्कुल नहीं देखा जा सकता दीज कैन हाव बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अब दो चीज़ें समझ में आ गई कि माइक्रोस्कोप कितने टाइप्स के होते हैं देखो काम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी होते हैं ठीक है सिंपल माइक्रोस्कोप भी होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रो माइक्रोस्कोप हैं तो वायरसेस जो है ना बेटा वो बहुत छोटा बहुत छोटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है ठीक है तो उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है वायरसेस एग्जिबिट वेराइटी ऑफ सेप सच एज रॉड लाइक स्फेरिकल पॉलीगॉन मैनीसाइडेड यानी जो वायरसेस होता है उसका जो सेप होता है बहुत तरह का सेप होता है रॉड लाइक -like होगा स्फेरिकल होगा पॉलीगोनल होगा और हम अभी सेप की बात करते हैं नीचे स्क्रीन पे आपके हर एक सेप की बात करता हूँ सबसे पहला जो सेप आप देख रहे हैं ये इन्फ्लुंजा वायरस की है जिसमें इन्फ्लुएंजा वायरस जो है इस तरीके का कुछ दिखता है अभी लेटेस्ट में कोरोना वायरस जैसा ही कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा आपको ठीक है इसी तरीके से हम बात करेंगे तो वैक्सीनिया वायरस तो उसका स्ट्रक्चर ये रहा आपकी स्क्रीन पर ठीक है बैक्टीरियो फेज़ बैक्टीरियो फेज़ का ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास ट्वेल्थ में भी पूछा जाता है क्लास नाइन्थ में क्लास टेंथ में भी पूछा जाता है बैक्टीरियो फेज इस तरीके का कुछ डायग्राम है ठीक है अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एच ठीक है एच आई एड्स यानी जो एच है स्ट्रक्चर ऑफ एच आई का इस तरीके का कुछ डायग्राम है ठीक है इसका सेप है उस वायरस का सेप है तो इस तरीके का सेप आपने देखा जो स्पेरिकल है पॉलीगोनल है रॉड लाइक स्ट्रक्चर है तो ये सारी चीज़ें आपने देखा तो मोइज वायरस जो इस तरीके से रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखो रॉड जैसे दिख रहे हैं ठीक है एडिनो वायरस ठीक है इस तरीके का कुछ डायग्राम आपने देखा तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ वायरसेस देखे आपने अब हम आगे बढ़ते हैं अब कुछ बातें कर लें वेन अ वायरस इंटर्न अ सेल ऑफ इट्स होस्ट इट मल्टीप्लाइज एंड लार्ज नंबर ऑफ वायरसेस पार्टिकल पार्टिकल्स आर प्रोड्यूज जैसे ही वो इंटर करता है सेल के अंदर तो वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होता है बहुत तेजी से उसके जो नंबर्स हैं वायरसेस के बहुत तेजी से बढ़ने लग जाते हैं और बहुत तेजी से उसके पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं ठीक है एट दिस स्टेज द होस्ट सेल ब्रस्ट एंड द न्यू वायरसेस पार्टिकल मे देन इंटर इन ट्रू द अदर सेल यानी जो पुराना वाला जो होस्ट कर रहा था वो सेल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और दूसरा वायरस जो है तैयार हो जाता है और दूसरे दूसरे सेल में चले जाते हैं तो हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्डिजम्स वेयर डू माइक्रो ऑर्गिजम्स लिव यानी वो कहाँ रहते हैं वायरसेस कहाँ रहते हैं माइक्रो ऑर्गिजम्स कहाँ रहते हैं ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे ठीक है इस वीडियो में हम देखेंगे तो सबसे पहले बात कर लें ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर ये बात हमने पिछले कुछ मिनट पहले ही बात की थी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पे पाए जाते हैं देयरफॉर फोर दे कैन लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट वो किसी भी हैबिटेट में रह सकते हैं देयर हैबिटेट कैन बी एनी ऑल ऑफ द फॉलोइंग जैसे कि वो एयर में भी रह सकते हैं वाटर में भी रह सकते हैं बेटा इंक्लूडिंग हॉट स्प्रिंग वाटर में भी रह सकते हैं आइस कोल्ड वाटर में भी रह सकते हैं सॉल्टी सी वाटर में भी रह सकते हैं सॉयल में भी रह सकते हैं इंक्लूडिंग द सॉयल ऑफ डिजर्ट में भी रह सकते हैं ठीक है मैरसी लैंड में भी रह सकते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर यानी जो सूखे पत्ते गिर जाते हैं या फिर कुछ मरे हुए जानवर रहते हैं उनके अंदर भी वो वायरस रहते हैं ऑर्गेनिजम्स रहते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स एज वेल एज़ ह्यूमन्स दोनों के अंदर देख दे, देखने को मिल जाता है सम माइक्रो ऑर्गेम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल सम अदर एग्जिस्ट फ्रीली कुछ है जो क्या करते हैं ग्रो होते हैं किसी और ऑर्गेनिजम्स के सहारे जबकि कुछ हैं जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा में लिव अलोन अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है माइक्रो ऑर्गेजम्स है जो अकेला ही क्या करता है जीवन जीता है वेयर इज फंजाई एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज Bacteria, मतलब इकट्ठे रहते हैं ठीक है तो आज हमने सो हाउ यू नो अबाउट दिस टर्म तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा द ऑर्गेनिजम्स विच आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द नेकेडाइज एंड कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स तो माइक्रोब्स की सबसे सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है स्क्रीन पे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ आप स्क्रीन को पॉज करके बिल्कुल आराम से इसको लिख लेंगे ठीक है दूसरी बात करूंगा अब माइक्रो ऑर्निजम्स में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल यानी उसको कहते हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ठीक है माइक्रो ऑर्निजम्स कैन बी फाउंड इन एयर वाटर इन सॉयल इन डेजर्ट इन मर्सी लैंड एंड ऑल्सो इन साइड द बॉडीज ऑफ अदर लिविंग ऑर्गनिजम्स किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी रहता है वाटर में भी रहता है एयर में भी रहता है सॉयल के अंदर डेजर्ट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं ठीक है आगे हम बात कर देंगे फोर मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फोर ग्रुप पाए जाते हैं जिसमें सबसे फर्स्ट पे बैक्टीरिया फंजाई एल्गी एंड प्रोटोजोआ ये फोर जो उसके ग्रुप्स हैं ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है ठीक है वायरसेस आर कंसीडर्ड माइक्रो माइक्रोब्स बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेजम्स दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द हॉस्ट सेल वो हॉस्ट सेल के अंदर ही क्या होते हैं प्रोड्यूज होते हैं रिप्रोड्यूज होते हैं विच में भी बैक्टीरियम प्लांट और एनिमल सेल ठीक है इन तरीका तो ओवरऑल क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसको भी आपको पढ़ना है तो नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑब्जर्व माइक्रोस्कोपी प्लांट एंड अदर ऑर्गनिजम्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप तो फर्स्ट मैंने बताया था अभी तो आप वीडियो को स्टार्टिंग में ले जाइए और वहाँ से देखिए कि क्या उसका नाम था वेयर आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बिल्कुल साफ़ मैंने अभी बताया हुआ है आप बिल्कुल लिख सकते हैं बाई वॉट नेम इज़ द हार्ड आउटर कवरिंग ऑन अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉड उसको क्या कहते हैं वो भी आपको मैंने बताया विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव इन कॉलोनीज किस प्रकार के कॉलोनीज में रहते हैं तो अभी जस्ट अभी ऊपर ही मैंने इसको मतलब डिस्क्राइब किया है वो भी आप देख सकते हैं वीडियो को आप जितनी ज़्यादा बार देखेंगे उतना ज़्यादा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी तो इसलिए आप वीडियो को एक बार देखें दो बार देखें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सारी चीज़ें समझ पाओगे वॉट इज़ द नेम ऑफ द वायरस विच यूज बैक्टीरिया एज इट्स होस्ट ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया हुआ है ये ओरल क्वेश्चन है ये टीचर आपसे पूछता है और आपको जवाब देना है लेकिन मैं तो सुन नहीं रहा हूँ तो आपको वहाँ पे जवाब देना है अगर आप जवाब इंस्टेंट इन, नहीं दे पा रहे हो तो आप उस वीडियो को मतलब रोकना नहीं आगे नहीं जाना है आपको फिर से बैक में जाना है फिर से पूरी वीडियो को देखना है और जब आप पूरी वीडियो को देखोगे एक बार दो बार तो आपको खुद समझ में आ जाएगा और वीडियो को एक बार देख लिया फिर बुक को उठा लो बुक बुक को उठाने के बाद बुक को एक बार पढ़ लो क्योंकि जब आप बुक को पूरा पढ़ लेते हो तो उसमें सारी चीज़ें आप हर एक चीज़ें आप समझ पाते हो अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो आप तुरंत क्या करना आप इसमें क्वेश्चन या कमेंट करके आप पूछ सकते हो कि सर आपने ये वाला टॉपिक आपने स्केप कर दिया या ये, ये वाला टॉपिक आपने एक्सप्लेन नहीं किया तो ज़रूर मैं आपके बात को आपके कमेंट को मैं रिप्लाई करके और तुरंत उस पर उस टॉपिक को मैं फिर से लेकर के आ जाऊँगा ठीक है आगे वाला टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस तो ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ठीक है तब तक आप लोग क्या करिए रेस्ट करिए थैंक यू वेरी मच